ओके सो स्टूडेंट, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने रीजनरेशन को डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे स्कारिंग की। ठीक है, स्कारिंग भी जो है वो बहुत ही आसान सा लिखा हुआ है, इतनी कोई ऐसा जिसमें समझने वाली बात नहीं है। स्कारिंग के हाँ जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में आपसे पूछते हैं, सो हम यहाँ पर उनको देखेंगे। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एंडोथीलियम जो है वो रीजनरेट कर जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जानी है, कॉलेजन आके डिपॉजिट होना है और स्कारिंग हो जानी है। ये स्कारिंग कब होती है, अगर तो जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेयर है, बहुत ही क्रॉनिक है, रीजनरेशन हो के बेचारे रेजिडुअल सेल्स की भी तंग आ गए, बस हो गई, या फिर स्टेम सेल्स मौजूद ही नहीं है, मैच्योरेशन हो ही नहीं रही, तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्कारिंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर इंजरी नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हुई, यानी नॉन डिवाइडिंग थे जैसे न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, तो फिर वहां पे जो हीलिंग होती है वो बेसिकली स्कारिंग के थ्रू ही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात हुई करता है कि आपके पास ये जो स्कारिंग है इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एंडोथीलियम है, ठीक है, और यहां से ये कट हो गया। ठीक है, जब ये कट हो गया तो सबसे पहली चीज आपको पता है कौन सी होनी है, ब्लीडिंग होनी है। सो यहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब विद इन मिनट, खून बहने के कुछ मिनटों के बाद ही यहां पर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, एक हेमाटोपियोटिक क्लॉट जो है वो बन जाएगा। वो क्लॉट किसकी वजह से बनेगा, प्लेटलेट्स की वजह से बनेगा, और उस क्लॉट की क्या सिग्निफिकेंस होगी कि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग को रोक लिया जाएगा। अब जब ब्लीडिंग रुकेगी, लेकिन इंजरी तो हुई हुई है, इस इंजरी की वजह से आपको पता है यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, मेडिएटर रिलीज होते हैं, और वो मेडिएटर्स क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करा देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, इंजरी हो गई, ब्लीडिंग हो गई, दूसरा वहाँ पे क्लॉट बना ताकि ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके, और तीसरी चीज़ क्या है कि इंजरी की वजह से मेडिएटर रिलीज होंगे और वो मेडिएटर वहाँ पे क्या इंड्यूस करा देंगे, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करा देंगे। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्यूट एंड क्रॉनिक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंजरी, चाहे ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, आपको पता है इन्फ्लेमेशन जैसी होगी तो वहाँ पे क्या आएंगे, न्यूट्रोफल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, और मैक्रोफेजेस आगे से दो तरह के हैं, मैक्रोफेज 1B 2B, 1 वाले एक्टिवेट होंगे तो वो फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और 2 वाले एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेयर के लिए कंडीशन को सेट करेंगे। तो ये सारी बात पहले में लिखी हुई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। चौथी चीज जो है वो हमारे पास क्या होनी है, चौथी चीज़ जो है वो हमारे पास ये होनी है इन्फ्लेमेशन के बाद कि वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जानी है। अब जो सेल्स जो हैं वो इस तरफ आने हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस, वो सेल्स जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास एपिथीलियल सेल्स आएंगे, ठीक है, एक क्या होंगे, एपिथीलियल सेल्स आएंगे, दूसरा एंडोथीलियल सेल्स और कुछ वैस्कुलर सेल्स आएंगे, और तीसरा हमारे पास फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स आएंगे। अब इनके अपने अपने काम है। जो एपिथीलियल सेल्स हैं ये सिर्फ ग्रोथ फैक्टर के रिस्पॉन्स में आते हैं और इनका काम है सिर्फ जो वाउंड वाली जगह है उसको आके कवर करना। सो ये बेसिकली वहाँ पर कवरेज करते हैं, कवर करते हैं वाउंड को। जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये वैस्कुलर सेल्स के साथ मिलके वहां पे एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस कराते हैं। एंजियोजेनेसिस अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब है न्यू ब्लड वेसल्स बनाते हैं ताकि वहां पे ब्लड ज्यादा से ज्यादा आए और जो एरिया है वहां न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहे और कोई डेफिशिएंसी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ना हो। ठीक है, और जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स का क्या काम होता है, फाइब्रोब्लास्ट का काम है वहां पे कोलेजन को ले डाउन करना और स्कार की फॉर्मेशन को इनिशिएट करना। तो अभी तक हमने देखा कि कौन सी चीजें हो सकी, यहाँ पे पहले ब्लीडिंग हुई, फिर यहाँ पे क्या बन गया, क्लॉट बना, क्लॉट बनने के बाद इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन हुई, एपिथीलियल ने आके इसको कवर कर लिया, एंडोथीलियल ने यहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनवा दी, जबकि जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं वो कोलेजन को ले डाउन करके क्या करा रहे हैं, यहाँ पे कोलेजन या स्कार की फॉर्मेशन को उन्होंने इनिशिएट कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ है ना कि आपके पास एक तो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं और नई वेसल्स बनना शुरू हो गई हैं, ये वाला जो एरिया इस टाइम, इस एरिया में जब ये सारे प्रोसेस हो रहे होंगे तो फिर उस टाइम हम इस जगह को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलेशन टिश्यू। तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू की अगर सिग्निफिकेंस या करेक्टरिस्टिक्स कोई आपसे पूछता है तो आपको आने चाहिए कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू में हीलिंग की वो स्टेज है कि जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ने कोलेजन का ले डाउन स्टार्ट कर दिया है, एंजियोजेनेसिस भी हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन भी हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट हो गया है, लास्ट प्रोसेस ये है कि जो कोलेजन डिपॉजिट हुआ है इसकी रिमॉडलिंग होनी है, यानी कि इसकी आपस में क्रॉस लिंकिंग होनी है, क्रॉस लिंकिंग के बाद ये परमानेंट जो है वो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि ये वहाँ पे एक अच्छा वाला स्कार बना दे जिसकी इंटीग्रिटी हाई हो। ठीक है, सो रीमॉडलिंग होनी है, रीमॉडलिंग में इसकी आपस में क्रॉस लिंकिंग श्रिंकिंग होके तो इसका एक प्रोमिनेंट हाई इंटीग्री वाला स्कार बन जाना है। तो ये स्कार फॉर्मेशन के बस स्टेप्स हैं, ये आपको आने चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रह गया, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सो सबसे पहले जो है बुक से देख लेते हैं कि अगर स्कार फॉर्मेशन हुई है तो स्कार फॉर्मेशन के क्या स्टेप्स हैं। उसने कहा कि आपके पास एक हेमोस्टैटिक प्लग बनेगा जिसके अंदर कौन होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हमें समझ आ गई। दूसरी बात है मीडिएटर रिलीज होंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स हैं, ये 6 से 48 घंटों के बाद ये वाला इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ना सिर्फ इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं बल्कि मैक्रोफेजेस भी हैं, M1 भी हैं, M2 भी हैं। M1 क्या करेगा,
इन्फ्लेमेशन और M2 आपकी रिपेयरिंग कराएगा। फिर वहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगी, इसमें एपिथीलियल सेल्स आए, एंडोथीलियल सेल्स आए, फाइब्रोब्लास्टिक आए। एपिथीलियल सिर्फ उसको कवर करते हैं, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो वहाँ पे एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस कराते हैं, जबकि जो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स हैं ये इंजरी वाली साइड पर आके कोलेजन को ले डाउन कराते हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को हम ग्रैनुलेशन कहते हैं। और ग्रैनुलेशन के बाद क्या होनी है, रिमॉडलिंग होनी है। रिमॉडलिंग के बाद उसने एक और बात की हुई है, कहते हैं ये जो आपके पास हीलिंग होती है, इस हीलिंग को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी इंटेंशन वाली हीलिंग है और एक सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग है। जो प्राइमरी इंटेंशन है इसमें रीजनरेशन ज़्यादा होती है और स्कारिंग थोड़ी कम ही होती है, और ये कब है, जब लोकल सीजर्स हैं, कोई कट लगा है या नॉर्मल कोई चीज़ सर्जरी हुई है। जबकि सेकेंडरी में स्कारिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, रीजनरेशन कम होती है, और ये मेजर सर्जरीज, ऑपरेशन और कटिंग शटिंग के बाद होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करता है, उसके बाद उसने ना डिस्कस किया हुआ एंजियोजेनेसिस को। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताती हूँ, फिर चीज़ें मजीद भी समझा देती हूँ। एंजियोजेनेसिस में क्या है, एंजियोजेनेसिस का मतलब है नई ब्लड वेसल्स का बनना। अब नई वेसल्स कहता है क्यों बनती हैं, ये जो नई वेसल्स बनती हैं एट द साइट ऑफ द इंजरी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। होता क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ और नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, वेजो डायलेशन की। ठीक है, वेजो डायलेशन के बाद क्या हुआ कि आपके ये जो पेरिसाइट सेल्स है ना, ये जो इसको लाइन कर रहे हैं ब्लू वाले, ये पेरिसाइट है, और ये अंदर की तरफ जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट के अंदर एंडोथीलियम सेल्स हैं। ये पेरिसाइट खुद को सेपरेट कर लेते हैं और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी डिसरप्ट हो जाती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसरप्ट होती है तो ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, ये यूं प्रोट्रूड करता है, ये एक टिप सी क्रिएट होती है। ठीक है, इस टिप की वजह से एंडोथीलियल सेल्स जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एंडोथीलियल सेल्स माइग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगी, एक कैपिलरी ल्यूमन बन जाएगा। ना सिर्फ एंडोथीलियल सेल्स करते हैं बल्कि इसके ऊपर जो स्मूथ मसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और पेरिसाइट्स हैं, उन्होंने भी माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की, दोनों ऑपोजिट साइड से ये मिलेंगी, तो कैपिलरी का ल्यूमन प्रॉपर वेसल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो पेरिसाइट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या इनकी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए हमारे पास प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा भी इसको सप्रेस करता है और फर्दर इसको प्रोलिफरेट या माइग्रेट करने नहीं देता जब वेसल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यूं हमारे पास एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। सो यहां से अगर आप देखना चाहें तो यहीं से आप स्टेप दे सकते हैं कि सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पांस में क्या होती है, वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन के बाद ये पेरिसाइट्स जो थे ये सेपरेट हो गए, एंडोथीलियल सेल्स ने वहां पे माइग्रेट किया, प्रोलिफरेट किया, कैपिलरी ट्यूब बनी और वहां पे पेरी एंडोथीलियल सेल्स भी आ गए, कुछ स्मूथ मसल्स भी आ गए और एंड पे उनको सप्रेस करके यहां पे एक वेसल बन गई, जिसे हम न्यू वेसल या एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये खुद नहीं हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स एक्ट करते हैं। तो एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये होता है, ठीक है, बहुत सारे इसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह एक्ट करते हैं। अब इन ग्रोथ फैक्टर्स में से वो कहता है हमारे पास सबसे पहले होता है वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इस वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर में भी वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ए, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर ए क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स को। जाहिर है उस वेसल्स में से एंडोथीलियल सेल्स गए थे, माइग्रेट हुए थे, तो ही तो वेसल बनी। तो ये जो वेस्कुलर एंड ड्राइव एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ए है ये कंट्रोल करता है प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन एंडोथीलियल सेल्स की। ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है, कैपिलरी स्प्रूटिंग का जो प्रोसेस है वो भी यही कराता है, और साथ ही साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड करके वेजो डायलेशन भी तो यही करा रहा था। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर भी होता है, और वो भी स्पेशली फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ ड्राइव फैक्टर 2। ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 है, कहता है ये भी एंडोथीलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन कराता है और माइग्रेशन कराता है, वहां पे मैक्रोफेजेस की और फाइब्रोब्लास्ट की और एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने बात की कि वहां पे नई वेसल बन जाएगी, तो उस वेसल के बनने के बाद उसके पेरिसाइट्स वगैरह हैं उनको स्टेबलाइज करना भी जरूरी है। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है। ये जो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है ये रिक्रूट करता है स्मूथ मसल सेल्स को और उनको सप्रेस करता है, जबकि जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बी है ये एंडोथीलियल सेल्स को और जो जितने भी माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनको सप्रेस कर देता है। सो ये उनकी स्टेबलाइजेशन में बड़े इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बल्कि वो कहते हैं हमारे पास कुछ नॉच सिग्नलिंग भी है जो स्प्रूटिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो प्रोटीन्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक प्रोटीन भी हेल्प करते हैं। कुछ एंजाइम्स हमारे पास होते हैं वो भी एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस में अपना पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स मेटालोपरऑक्सीडेज है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये डिग्रेड करता है, रिमॉडलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो ये भी करता है। उसके साथ ना सिर्फ हमारे पास रिमॉडलिंग से हमारे पास
पास एक नई वेसल बनती है, बल्कि वहाँ पर परमेबिलिटी भी हाई होती है। परमेबिलिटी हाई होने की वजह से लीकेज होता रहता है और एडीमा बड़ा कॉमन सिम्टम है एसोसिएटेड विद एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अब अगली बात उसने क्या की हुई, अगर हम बुक से ही देखते आए तो बुक से आपको रिलेट करना आसान लगता है, मुझे बुक से ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं आए। एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया, अब एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद वो कहता है फाइब्रोब्लास्ट किस तरह से एक्टिवेट होते हैं और उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो माइग्रेट करके और प्रोलीफरेट करके फाइब्रोब्लास्ट जो है उस साइट पर पहुंचेंगे और फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एक बात उसने यहाँ पे की हुई है कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं जब ये जाते हैं इंजरी वाली जगह पे, ठीक है, इंजरी वाली जगह पे जब ये जाते हैं तो वहाँ पे जाके मायोफिब्रिल्स में कन्वर्ट होते हैं। इन मायोफिब्रिल्स के पास क्या एक्टिन प्रोटीन्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो दो कटे हुए एरियाज होते हैं इनको यूं करीब ले आता है। ठीक है, दो एरियाज को क्या करता है, एक दूसरे के करीब ले आता है, सेंटर की तरफ ले आता है। सो फाइब्रोब्लास्ट और मायोफिब्रिल्स की ये इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई है वो है हमारे पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है ना, ये बहुत सारे लिम्फोसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो कि ज़रूरी होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन की सिंथेसिस और डेपोजिशन के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे ग्रैनुलेशन टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, स्पेशली मैक्रोफेजेस वगैरह से। इसके जो लेवल्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली नहीं बल्कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली इफेक्टेड होते हैं। ना सिर्फ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली इसके लेवल्स को फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट होते हैं, बल्कि इसकी जो सिंथेसिस होती है वो ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं उनसे भी फ़र्क पड़ता है और मायोफिब्रिल से भी इसके फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। करता क्या है, ये जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है ये फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन करता है, प्रोलीफरेशन करता है, कॉलेजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, मेटालोपरऑक्सीडेज को इनहिबिट करके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन को कम करके कॉलेजन की वहाँ पे सिंथेसिस और ले डाउन को बढ़ाता है। ठीक है, ना सिर्फ ये स्कार की फॉर्मेशन में हेल्प करता है बल्कि साथ ही फाइब्रोसिस भी कराता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है इसकी हमने क्या बातें कर ली कि ये जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा है ये फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलीफरेशन भी करता है वहाँ पे और प्रोलीफरेशन के अलावा वहाँ पे उनकी माइग्रेशन भी करता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कॉलेजन की सिंथेसिस को इन्हांस कर देता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये मेटालोपरऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है मेटालोपरऑक्सीडेज के हवाले से याद रखनी है इसको अपनी वर्किंग के लिए जिंक आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है मेटालोपरऑक्सीडेज को इनहिबिट करके ECM के डिग्रेडेशन को कम करके उसकी डेपोजिशन को बढ़ा रहा है। ये इसके साथ साथ ये फाइब्रोसिस में भी इंपॉर्टेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है क्योंकि लिम्फोसाइट्स वगैरह को इनहिबिट करता है। तो जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फैक्टर के बाद इन्होंने क्या बात की हुई है हमारे पास कि रिमॉडलिंग होती है और रिमॉडलिंग मैंने आपको बताया कि जो भी कॉलेजन डिपॉजिट हुआ हुआ होगा उसकी आपस में क्रॉस लिंकिंग होती है ताकि कॉलेजन की जो इंटीग्रिटी है वो इंक्रीज की जा सके। कॉलेजन टाइप 2 से टाइप 1 में आ जाता है और ये सारी बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप्स ही हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। देन वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर रिपेयरिंग ठीक तरह से नहीं होती और ये रिपेयरिंग किन फैक्टर से इफेक्ट होती है, अगर तो रिकरेंट इन्फेक्शन है तो रिपेयरिंग पर फर्क पड़ता है। डायबिटी का जो पेशेंट होता है उसमें जख्म इतनी जल्दी नहीं भरता, आपने सुना भी होगा फलां के पाँव में डायबिटीज़ फटी हुई है, शुगर फटी हुई है, शुगर नहीं फटी हुई होती, वो असल में ज़ख्म होता है लेकिन वो हील नहीं करता, वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह न्यूट्रिशनल स्टेट पे भी रिपेयरिंग डिपेंड करती है, अगर आप माल न्यूट्रिटेड हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपको, तो स्कारिंग या रिपेयरिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज़्यादा है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी उसको इफेक्ट करेंगे। मैकेनिकल फैक्टर भी कर सकते हैं, परफ्यूजन ठीक नहीं है, फॉरेन बॉडी है, या फिर डिपेंड करता है कि इंजरी किस नोयत की थी और इंजरी की लोकेशन क्या थी। ये सारे फैक्टर जो हैं रिपेयरिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। देन वो कहता है कि हमारे पास ना अगर रिपेयरिंग में डिफेक्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर रिपेयरिंग में डिफेक्ट होना तो इस तरह की कंडीशन, देखो यहाँ पे रिपेयरिंग उसकी ठीक नहीं हुई और ये वीनस रिपेयरिंग या वीनस अल्सर की एग्जाम्पल है कि एक पेशेंट जो है उसको वीनस थ्रोम्बोसिस था या फिर वेन्स के अंदर कोई एम्बोलिज्म का केस था लेकिन उसकी जो है रिपेयरिंग का प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ तो इस तरह के अल्सर्स अपीयर होते हैं। ये आर्टीरियल अल्सर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास उन्होंने दिखाए हुए हैं डायबिटिक और एथियोसक्लेरोटिक वगैरह या प्रेशर सोर्स वगैरह। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वीनस अल्सर्स अपीयर हो सकते हैं अगर रिपेयरिंग प्रोसेस वेन्स के अंदर ना ठीक हो, वेरिकोज वेन फट जाए, में जख्म हो जाए, वो रिपेयर ना हो तो वो इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाती है। आर्टीरियल अल्सर्स भी हो सकते हैं, एथियोसक्लेरोटिक पेशेंट है उसकी आर्टरी जो है वो रप्चर हो गई हुई है लेकिन वहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हुई, इंजरी जो है वो रिकवर नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, रिजेनरेट नहीं हुई, तो उसमें भी आपके पास इस तरह की कंडीशन अपीयर होती है। सेम एज
दो उन्होंने डायबिटिक और प्रेशर सोर्स की डायग्राम्स आपको दिखाई हुई हैं, फिर एक तो हुई नहीं और दूसरा एक्सेसिव हो गई। अगर एक्सेसिव स्कारिंग हो जाए तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, एक होती है हाइपरट्रॉफी और एक होती है कीटोलॉयड। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताती हूँ, इसके आगे एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ। असल में होता यूँ है, आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं मोके भी कहते हैं कुछ लोग उन्हें तिल भी कहते हैं या इस तरह की चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्सेसिव स्कारिंग हो गई और एक्सेसिव स्कारिंग की वजह से वो जो एरिया है ना वो यूं प्रोट्रूड होकर बाहर आ गया। अगर तो ये बिल्कुल इस इंजरी के मार्जिन में होना तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वो यूं स्किन से भी ना, ये जो स्किन होती है यूं उभरा पड़ा होता है, ठीक है, तो अगर ये यूं उभरा हुआ होगा, मुझे भी इस तरह के बहुत सारे हैं, तो ये उभरा हुआ होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कीटोलॉयड कहते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये कीटोलॉयड्स हैं, ठीक है। क्या है, कीटोलॉयड हैं, जब ये अपने सरफेस एरिया से यूं बाहर चले जाते हैं। सो एक्सेसिव स्कारिंग की वजह से या तो हाइपरट्रॉफी होती है या फिर हमारे पास क्या होता है, कीटोलॉयड बनते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव स्कारिंग है, और एक्सेसिव स्कारिंग की वजह से फाइब्रोसिस भी होती है, और फाइब्रोसिस को हम स्पेशल पैथो में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह लंग्स के अंदर जब एक्सेसिव स्कारिंग होती है तो वहां पर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। तो ये वाली सारी चीज हमने पढ़ी कि कैसे हमारे पास इंजरीज होती हैं, लिमिटेड भी होती हैं, रिपीटेड भी होती हैं, रिपीटेड होंगी तो किस तरह इन्फ्लेमेशन आएगी, और इन्फ्लेमेशन के बाद किस तरह से वहां पर फाइब्रोसिस या रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। इसको रीड कर लें, इसमें कोई मसला होता है तो मुझसे पूछते हैं। ये जो रीजनरेशन था शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगा हो, बोरिंग सा है, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेप्स आने चाहिए जो हमने पढ़े, क्लॉटिंग होनी है, इन्फ्लेमेशन होनी है, प्रोलिफरेशन होनी है, रिमॉडलिंग होनी है। उसके बाद उसने एंजियोजेनेसिस की बात की कि एंजियोजेनेसिस कैसे होती है, वेजोडायलेशन होती है, पेरिसाइट सेपरेट होते हैं, ल्यूमन बनता है और वेसल बन जाती है। अब इसको बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वेस्कुलर ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो गए, और उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, फाइब्रोब्लास्ट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो गए, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो गए, या टिशू ग्रोथ फैक्टर बीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टिशू ग्रोथ फैक्टर बीटा है, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ही फंक्शंस आपको आने चाहिए कि ना सिर्फ ये स्कारिंग में हेल्प करता है बल्कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और फाइब्रोसिस भी डेवलप कराता है। स्कारिंग किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर पर, रीजनरेशन रिपेयरिंग डिपेंड करती है। अगर अब नॉर्मल हो जाएगी तो इस तरह के अल्सर्स बनते हैं हमारे पास, ये वीनस अल्सर है या आर्टीरियल अल्सर है, ये प्रेशर सोल है और ये डायबिटिक अल्सर है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा होगी तो इस तरह की कीटोलाइड या हाइपरट्रॉफी की जो कंडीशंस हैं वो आपके पास अपीयर हो सकती हैं, ठीक है जी।